हेलो एवरीवन, दिस इज मी शिवान श्रीवास्तव और आज हम लोग एन अवस्थी केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एन अवस्थी की सीरीज शुरू हुई थी लेकिन बीच में कुछ दिनों से रुकी हुई है, लेकिन अब फिर से वो शुरू होने जा रही है, जिससे जे मेंस के पहले तक पूरी एन अवस्थी लगा दी जाए। ठीक है, तो आज हम लोग कौन से क्वेश्चन करेंगे? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक, ठीक है, लेवल 1 सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अगर अभी आपने इजी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इजी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा न्यू ऐप है, जो अब तो न्यू नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया है, तो इसको भी आप लोग क्या करें, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर कीजिए। ठीक है, और बहुत से यहाँ पे भी कोर्सेज पढ़े हैं उनको भी देखिए। ठीक है, और नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी है, टेस्ट सीरीज़ है, नोट्स हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो आज का पहला क्वेश्चन है द डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो रिएक्शन उन लोगों को क्या दी हुई है, एक सेकेंड, हाँ, तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज ए प्लस टू बी, के इज रेट कॉन्स्टेंट, गिव्स 3C। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो कुछ नहीं, डिफरेंशियल रेट लॉ आप लोगों को लिखना तो आता ही होगा, तो कैसे करेंगे, माइनस डी ए माइनस डी ए बाई डी टी, और अगर सारे, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शंस में, सारे हम लोगों को रेट लॉ को इक्वेट करना है। ठीक है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में जो रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ होगा, बी के जो रिस्पेक्ट में और सी के रिस्पेक्ट में जो है उसको इक्वेट करना है। ठीक है, तो इक्वेट करने के लिए क्या करते थे, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता था उससे डिवाइड कर देते थे उसके रेट लॉ को। जैसे ए का यहाँ पे क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं दूसरा क्या होगा, डी बी, सॉरी यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है, तो इक्वल, तो फिर से देखिए माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी अगर आप लोग भूल गए तो एक बता दूंगी, रिप्रेजेंट करता है डी आर ओ डी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या फिर हाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, और प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगा, अभी जो आएगा देखते हैं अभी, तो ये माइनस डी बी बाई डी टी होगा। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और फिर प्लस डी सी बाई डी टी, अब प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो ये डी टी, और ये किसके से डिवाइड होगा, 3 से, ये इक्वेट हो गया। ठीक है, तो दो ऑप्शन में है, डी में देखिए और सी में, ठीक है, दो ऑप्शन में। अब वो कैसे लिखते थे रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या होता है, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिखते थे, के हो गया तुम्हारा रेट कॉन्स्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ए इंटू बी का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़े, इसी तरह आसान आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये पूछा गया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस, तो क्या बताया था मैंने अभी आपको कि जो जो नीचे मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई करती है वो उसका क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट होता है। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट देखिए ए में पता है, सी में पता है और डी में पता है। ठीक है, और डी वाला क्या है, 1 है, तो सब में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट पता कर लिया हम लोगों ने। अब माइनस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट साइड, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में क्या क्या होगा, बी वाला होगा, बी वाला होगा और डी वाला होगा, और प्रोडक्ट साइड में क्या क्या होगा, ए ए होगा और सी होगा। ठीक है, अब देखते हैं सी के सामने, सी के नीचे 2 होगा, ठीक, ए के नीचे 4 होगा, डी के नीचे 2 है ना, या 2, एक सेकेंड, डी के नीचे 3, सॉरी डी के नीचे 3, डी के नीचे 3, ठीक है, डी के नीचे 3,
डी के नीचे 3 होगा, तो ये रिएक्शन बनेगी, बी प्लस 3D गेस 4A प्लस 2C, तो ऑप्शन बी, तो बी सही है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो और क्या, तो क्वेश्चन करते हैं किस पेन से करें, ब्लू से करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। इन द रिएक्शन ए प्लस 2B गिव C6C प्लस 2D, ठीक है। अब क्या होगा, इफ द इनिशियल रेट माइनस dA बाई dt, इफ द इनिशियल रेट माइनस dA बाई dt एट t इज इक्वल टू 0 इज 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर सेकेंड इनवर्स, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनस dB बाई dt एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बताना है। तो अब कैसे होगा, देखिए कुछ नहीं, तो हम लोगों को रेट लॉ पहले इक्वेट करना आता है, तो पहले दे देते हैं गिवन क्या, तो गिवन हम लोगों को माइनस dA बाई dt इज इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर सेकेंड इनवर्स, ये पता है, ओके। और ये कब पता है, एट टी इज इक्वल्स टू 0 पे, और हमसे पूछे क्या है कि माइनस dB बाई dt बताओ, माइनस dB बाई dt बताओ एट टी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसके रेट को मतलब इक्वेट कर देना है, रिएक्टेंट साइड का ही पूछे हैं, ठीक है, तो कैसे करते हैं, माइनस dA बाई dt, सॉरी माइनस dA बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस हाफ dB बाई dt, ओके, ये समझ आया। और dA बाई dt की वैल्यू पता है, माइनस dB बाई dt की वैल्यू निकालनी है, सिंपल मैथ्स लगाना है, माइनस dB बाई dt निकालनी है, तो मतलब ये माइनस इधर ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल सेकेंड इनवर्स। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, सी पार्ट, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, फॉर द रिएक्शन 2A gives B plus 3C if minus dA by dt is equals to k1A square, dB by dt is equals to k2A square, dC by dt is equals to k3A square, the correct relation between k1, k2, k3। तो कुछ नहीं होता है, k1, k2, k3 मतलब सबके रिस्पेक्ट में उनके रेट कांस्टेंट दिए हैं। A के रिस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट है वो k1 है, B के रिस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट है वो k2 है, सी के रिस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट है वो k3 है। तो अब पूछा गया है कि इन तीनों को इक्वेट कैसे करें, तो कैसे इक्वेट करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो और इक्वल कर दो, समझे, जैसे k1 बाई 2 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 बाई 3, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन हम लोगों का सही है। आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, इजी देखते रहिए, और आसान होगा अभी। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ nth ऑर्डर हैज यूनिट्स, तो n ऑर्डर की कोई रिएक्शन है उसका रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा, तो ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है ये जानिए। तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू बता रहा, रेट कॉन्स्टेंट होता क्या है, तो कुछ नहीं, रेट इज इक्वल टू k, और nth वाला है तो कंसंट्रेशन टू द पावर n, तो k की वो पूछना है यूनिट, तो k इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। और रेट क्या होता है, रेट इज समथिंग वी कैन से कंसंट्रेशन पर, मतलब कितने टाइम पे कितना कंसंट्रेशन जा रहा है, तो पर सेकेंड, कंसंट्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो अब करते हैं, कंसंट्रेशन पर सेकेंड होता है रेट, ये पता चल गया। तो अब हम लोग क्या पता है कि रेट क्या है, रेट हम लोगों का है मोलर, मोल पर लीटर इन सेकेंड, ठीक है। और क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन हम लोग होता है मोल पर लीटर की पावर n, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब करेंगे मोल की पावर, मोलर की पावर n, तो n ऊपर जाएगा तो मोल n माइनस 1, तो मोल 1 माइनस n अपॉन लीटर, ये लीटर 1 माइनस n यहाँ पे भी इंटू, अगर इसको ऊपर भेज दें तो सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और जब इसको ऊपर करेंगे तो ये कन्वर्ट किस पे होगा, देखिए मोल 1 माइनस n
लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स ये आ रहा है, तो ये कौन से ऑप्शन में है? यही है लास्ट एक्सप्रेशन जो बन रहा है, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन लास्ट था? हम लोग का ये एक्सप्रेशन लास्ट है, तो ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है हम लोग का ऑप्शन डी, तो डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, तो यूनिट यही होती है, डिसअपीयरेंस की यूनिट यही होती है, ठीक है। ए ऑप्शन सही है, ए सही है, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है, पहले देखते हैं सही क्या क्या है। बी क्या? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सेम होती है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर, अभी पीछे देखा, एन की वैल्यू पता होगी तो ऑर्डर चेंज होता रहेगा, सॉरी। और डी, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अभी के का मैंने क्या निकाला था? मोल, याद होना चाहिए सबको, ठीक है। लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स, तो अब इसमें एन को रख दो वन, तो जैसे एन को वन रखोगे ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा खाली सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पे क्या दिए हैं? मोल सेकेंड इनवर्स, तो ये ऑप्शन डी वाला ऑप्शन गलत है, तो मतलब इनकरेक्ट के लिए डी सही, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर के एफ एंड के बी इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस दैट कंटेन्स इक्वल मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या है कि के इक्विलिब्रियम होता है हम लोगों का के एफ अपॉन के बी, और ये इक्वल होता है हम लोगों का कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे नीचे होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसको निकालने के लिए हम लोगों को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट्स की जरूरत है, जो यहाँ पे दिए नहीं है, तो जब यहाँ पे नहीं दिए हैं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, ठीक है। आगे बढ़ें। लिस्टेड इन द टेबल आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या रिवर्स रेट, जो बोल लीजिए आप, कॉन्स्टेंट्स फॉर द रिएक्शन। टू एनओ गैस गिव्स एन टू गैस प्लस ओ टू गैस, ये रिएक्शन है हम लोगों की। टेम्परेचर पता है, के एफ पता है, के बी पता है, तो हम लोग पहले दोनों टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम एट 1400 केल्विन क्या होगा? इज इक्वल्स टू, तो 1400 पे वैल्यू क्या है? के एफ अपॉन के बी होता है, तो के एफ इज 0.29 एंड के इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड के बी इज, के इक्विलिब्रियम वन लिख दो, के बी इज वॉट 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.63 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, ये आएगा। और के इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन क्या होगा? सॉरी 1500 केल्विन, तो वो हो जाएगा के इक्विलिब्रियम 2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.3 अपॉन 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, माइनस 5 ही है, यस। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9.28 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, ये आ गया। अब सर अब क्या होगा, कैसे करेंगे? चलो इतना तो आ गया, तो ये देखिए इतना आने से कुछ हुआ क्या? अभी दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा कलर लिया जाए। ग्रीन, चलिए ग्रीन से करते हैं। ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, और ये भी सही है, तीनों सही हैं। कुछ और भी तो है, ये देखो। अब कैसे पता करें कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? तो कैसे पता करेंगे, ये देखिए, पहले देखो आप टेम्परेचर जैसे बढ़ा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घटी, और के इक्विलिब्रियम कम हो रहा है मतलब जल्दी इक्विलिब्रियम में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर रिलीज हो रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, मतलब जल्दी आ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ें। चलिए तो फिर से वही इक्वल करना है शायद, रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन रिएक्टेंट। तो बस ये तो अब आपको आ ही गया होगा, बी आर ओ फोर माइनस है, तो डी बी आर ओ फोर बी आर ओ थ्री माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू बी आर टू के इक्वल करना है, तो डी यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस वाला होगा क्योंकि अपीयरेंस है, ये डिसअपीयरेंस है बी आर ओ, तो बी आर टू अपॉन डी टी, और ये डिवाइड होगा थ्री से, ठीक है, आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। आगे बढ़ें। कंसीडर द रिएक्शन, रिएक्शन है ए गिव्स टू बी गैस, ठीक है, और हम लोगों को के की वैल्यू पता है कितनी है, 0.1 मोलर मिनट इनवर्स, ठीक है, ये के की वैल्यू है। तो हम लोग बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है। तो अगर हम लोग ये देखना चाहें कि रिएक्शन हम लोगों की कंप्लीट कब हुई है, तो टी कंप्लीशन निकाल लें,
ठीक है, तो टी कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई के, ठीक है, ए बाई के करेंगे तो क्या आएगा, एम ओ का है 0.5, के है 0.1, यही तो है ना ए बाई के, ठीक है, तो ये आएगा कुछ 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में उन लोगों की रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो जा रही है, तो ये देखो ये यहाँ पे 5 मिनट पे कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे देखो बढ़ती जा रही है, तो ये ग्राफ गलत हो गया, ये ग्राफ गलत हो गया, अब ये और ये, तो अब देखिए बी के साथ ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, किसके साथ, बी के साथ, तो ए जब 0.5 था, ठीक है, तो टी कंप्लीट मतलब 5 मिनट में रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो रही है, और रिएक्शन है ए से टू बी, मतलब यहाँ पे अगर कैसे है, अगर टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ ए प्रेजेंट होगा तो यहाँ कुछ नहीं, टी इज इक्वल टू टी पे यहाँ पे ए माइनस एक्स प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे 2x प्रेजेंट हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू टी कंप्लीशन पे क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा और ये हम लोगों का 2a हो जाएगा, तो 2a मतलब 2 into 0.5 दिया हुआ है इनिशियल, तो 1, तो मतलब 1 मोलर होना चाहिए बी, तो सी ऑप्शन सही है, आ गया, इजी था ना, आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो पहला क्या है, अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ बायोमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो जो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो हमेशा बायोमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, ये सही है, ठीक है, बायोमोलिक्यूलर मतलब टू रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, मतलब कोलिजन कर रहे हैं, एक्चुअली एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, जो असलियत में होता है कि दो रिएक्टेंट्स कोलिजन कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो बायोमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन हो वो सेकेंडरी ऑर्डर रिएक्शन हो, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हम लोगों का सही है, ऑप्शन सही है, अब बी वाले में आते हैं, बी में क्या दिए, बायोमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये गलत है, हमेशा नहीं होता, ठीक है, तो बी ऑप्शन हम लोग गलत, सी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अब मिल तो गया, करेक्ट करेक्ट तो बी है, क्योंकि इनकरेक्ट कुछ है तो करेक्ट बी है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सही है, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, के और कंसेंट्रेशन की पावर 0, ठीक है, तो रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है, हम के तो चलो उसमें वो आ रहा है, तो ओवरऑल रेट रेट जो होता है वो कंसेंट्रेशन के पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, रेट जो होता है कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो अगर रेट कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, रेट कंसेंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है तो रिएक्शन जाएगी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेप लेके जाएगी, मल्टी स्टेप पे, ठीक है, तो उसे तो भाई प्रोडक्ट तक तो जाना ही है, अब चाहे बीच में जितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं उसको बन के जाना ही रहता है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि वो एलिमेंट्री भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, या तो एक ही बार में कंप्लीट या तो कुछ स्टेप्स लेके कंप्लीट, ठीक है, तो सी भी सही है, डी भी सही है, तो गलत कौन सा हुआ, बी, तो बी आंसर, द मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवेन बिलो इज, तो मोलिकुलरिटी होता है कि कितने मैकेनिज्म लगे उसमें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि रिएक्शन में मैकेनिज्म हम लोगों को दिया ही नहीं हुआ, ये तो रिएक्शन सीधा दे दी गई, ठीक है, कि इतनी रिएक्शन है लेकिन मैकेनिज्म नहीं पता, तो हैज नो मीनिंग, ठीक है, समझ गया हमें, अब क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ दिस इनटू N2 प्लस 2H2O इज फर्स्ट ऑर्डर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया, फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला जो लगता है वो देखिए आप, क्या होता है, At इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस KT, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं आप लोग पता है, At इज क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ए नॉट क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम इनिशियल, मतलब T इज इक्वल टू 0 पे, दैट्स ए नॉट, ठीक है, तो इस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, कौन सा ग्राफ सही है, तो NH4OH और टाइम के बीच में लिया गया, तो ये NH4OH हो गया और ये टाइम वाला हो गया, तो ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनना चाहिए, कौन सा ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और एक्सपोनेंशियल में भी डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्यों, क्योंकि ए नॉट मतलब पहले से कुछ वो था, ठीक है, मतलब पहले से कुछ इनिशियल था, फिर कंसंट्रेशन कम ही हो रहा होगा, आप भी समझ रहे हो, ठीक है, कैसे कम हो रहा होगा, अगर नहीं समझ रहे हो तो ये तो बुद्धि का काम है, ये है, ये घट रहा है तभी तो इधर जा रहा है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ HI गोल्ड ऑन गोल्ड सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, HI गैस है, गोल्ड सरफेस पे इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है जो है 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो इनिशियली फ्यू मोल्स ऑफ H2 आर प्रेजेंट, तो ये कैसे टूट रहा होगा, एक्चुअली ये 2HI होता है, ये टूटता है H2+ I2 में, ठीक है, तो पहले से अगर कुछ H2 प्रेजेंट है तो और H2 जा रहे हैं,
और एस टू जा रहे हैं, जीरो ऑर्डर है, लीनियर ग्राफ होता है, स्लोप के होता है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब अब कोई समझाने का टाइम नहीं बचा है, ये सब पढ़ना था जब चैप्टर तब आना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, तो ये स्लोप के होना चाहिए, ठीक। तो अगर इस हिसाब से जाया जाए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो बी ऑप्शन सही, पहले से कुछ पी एच टू प्रेजेंट है, फिर एच टू बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो टाइम के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक। कंसीडर द प्लॉट्स फॉर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ग्राफ याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि आप पेपर में ग्राफ बनाओगे नहीं बैठ के, आपको ग्राफ याद होने चाहिए। जैसे आप देखिए मुझे किस तरह याद है, डी ए बाई डी टी और ए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आ रहा है, और ए की पावर एन होता है तो एन वन आ गया। तो पहला वाला है फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ, ठीक है। पहला वाला कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, वन बाई ए और टी का ग्राफ है। स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप क्या है, देखिए स्लोप माइनस के है या फिर नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। और ये क्या है, ए और टी का ग्राफ है, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए अब ये वाला फॉर्मूला याद कर, देखिए हर क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी जीरो फर्स्ट सेकंड इतने पे ही आता है, और सेकंड पे बहुत कम, जीरो और फर्स्ट पे ज़्यादा रहते हैं, और फर्स्ट पे तो मोस्ट रहते हैं, ठीक है। तो पहली बात, जीरो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी है, तो ठीक है। पहले तो जीरो फर्स्ट के हिसाब से अगर चेक करें तो फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ये कब का फॉर्मूला होता है, ये होता है हम लोगों का जब क्या, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाओगे तो ए नॉट पहले से कुछ होगा और स्लोप माइनस के होगा। तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया हम लोगों का जीरो ऑर्डर, और ये क्या होता है, वन बाई ए इंटू टी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला उसका है सेकेंड वाले का, तो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अब याद कर लीजिएगा, ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक, उसमें कुछ नहीं है। तो सेकेंड वाले का भी अगर आपको अगर देखना हो तो देख लो क्या होता है फॉर्मूला, वन बाई ए टी, सॉरी वन बाई ए नॉट माइनस के टी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो वन बाई ए टी वर्सेस टी का ग्राफ है, माइनस के स्लोप हो जाएगी, वन बाई ए नॉट इंटरसेप्ट हो जाएगा। आसान है ना, कुछ नहीं है, ठीक है, आ रहा होगा समझ में। और क्या है, और हम लोगों का है, हाँ, इफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए गैस से बी गैस बन रही है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द ग्राफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अगेंस्ट टाइम टी विल बी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ए गैस से क्या हो रहा है, बी गैस बन रहा है ना, सॉरी ए गैस से क्या हो रहा है, बी गैस बन रहा है। तो पूछे बी का टाइम के साथ, तो रुको फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, अगर चलिए अच्छा सही से करते हैं, थोड़ा अच्छे समझाते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा है अभी, ठीक है। तो अब करते हैं, चलिए तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला होता है ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। टी इज इक्वल्स टू जीरो पे ये ए है, तो ये मान लिया ये भी ए, ओ ये तो फॉर्मूला है, ये मैं कहाँ लिख दूँ इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पे पहले रिएक्शन तो लिख दो, यहाँ क्या कर रहा था, हो गया कोई नहीं, हो जाता है। T इज इक्वल टू जीरो पे तुझे देखा तो ये A है, ये A है, T इज इक्वल टू T पे A माइनस एक्स है, ये X है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें X वर्सेस T का ग्राफ बताना है, ठीक है। अब क्या होगा, देखें कैसे होगा सर, कैसे होगा, तो अब देखिए कैसे होगा, ये होगा, होगा होगा सबसे होगा, हमसे भी होगा, ठीक है। तो पहली बात देखा जाए, टी इज इक्वल टू जीरो पे ज़ीरो होगा, ये नहीं होगा, तो कैसे होगा, ए माइनस एक्स, ठीक है, ये ए टी है ना, एट टाइम टी ए इतना बचा है, इज इक्वल टू ए नॉट कितना था, ए ई की पावर माइनस के टी, ये हो गया। एक्स को इधर भेजो, एक्स ए टाइम्स वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, हमें ग्राफ किसके बीच में चाहिए, एक्स वर्सेस टी के बीच में चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए की पावर ई माइनस के टी, ठीक है। तो ये स्लोप है तो नेगेटिव है, और ए कुछ रहेगा, ठीक है, ए पहले से कुछ है, ए पहले से कुछ है, ए पहले से कुछ है, और
ए माइनस के टी, ग्राफ क्या बता रहा है, मतलब ये इंटरसेप्ट हो गया सी और ये हो गया एम एक्स, ठीक है। तो एम क्या है हम लोगों का, ए टी के बीच में, तो ये और एम ये, ठीक है, समझ गए ना। तो ओवरऑल ये ग्राफ होगा, पहले से कुछ है फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक, समझ आया, ठीक। आगे बढ़े, आगे क्या है, कंसिडर द प्लॉट्स, ये प्लॉट्स दिए हैं भाई, ग्राफ याद होगा आप लोगों को तो बहुत फ़ायदा है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक, क्वेश्चन भी आते हैं और ज़रूरी है ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक। कंसिडर द प्लॉट्स गिवन बिलो, ये प्लॉट्स दिए हुए हैं, एन ए से बी प्लस सी, ये उसका रिएक्शन है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, पहले ग्राफ में दिया है, पेन समझ नहीं आ रहा होगा, अच्छा भी नहीं लग रहा है देखने में, वाइट, ठीक है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, पहले वाले में दिया है, ऐसा दिया है ए की पावर जीरो, ठीक है। दूसरे वाले में दिया है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तीसरे वाले में दिया है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन बाई ए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले सब सबके फॉर्मूले याद करो। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू बाई के, ठीक। सेकेंड ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई टू के, ठीक। ए क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर में टी हाफ इज इक्वल टू वन बाई ए के, ठीक। अब देखो टी हाफ यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ए के जीरो, तो पहला वाला फर्स्ट ऑर्डर हो गया। दूसरा वाला क्या है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो दूसरा वाला क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। और फिर क्या है, थर्ड वाला क्या है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए, या फिर कह सकते हो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, और ये जीरो वाला है, ठीक है। तो 102 सी ऑप्शन सही हो गया, आसान था क्वेश्चन। आगे बताएं, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, क्या था फॉर्मूला, ए माइनस एक्स मतलब ए टी इज इक्वल्स टू ए ए माइनस के टी, ये ए नहीं है, ये ए नॉट है, ठीक है। गंदा नहीं, साफ 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 साफ, हाँ। तो ये क्या हो गया, ए हो गया, ये ए नॉट है, ठीक है। तो अब इसके और इसके बीच में ग्राफ है, ठीक है। तो पहली बात, ये हम लोगों का वाई हो गया, ये सी हो गया, ये माइनस एम एक्स हो गया, ठीक है। एक्स टी है, वाई हम लोगों का ए माइनस एक्स है, सी हम लोगों का कोई इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। और माइनस एम नेगेटिव स्लोप, ठीक है। नेगेटिव स्लोप है, वाई इंटरसेप्ट है, तो पढ़ लो, पॉजिटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट, गलत। पॉजिटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट, गलत। नेगेटिव स्लोप एंड विथ नॉन जीरो इंटरसेप्ट, ये होना चाहिए आंसर, क्या नेगेटिव स्लोप विथ, क्या होना चाहिए आंसर, नेगेटिव स्लोप विथ नॉन जीरो इंटरसेप्ट, ठीक। सी वाला होना खच्चर, ठीक। चलो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर अ केमिकल चेंज हैविंग लॉग टी हाफ वर्सेज लॉग ए, ग्राफ दिया है, ठीक है। तो 45 डिग्री स्लोप है, तो पेन 45 1, तो स्लोप हम लोगों की क्या है, 1 है, ठीक है। और हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग पता है, और हम लोग बता सकते हैं कि लॉग टी हाफ, ठीक है, स्लोप 1 हो गई है, और ये इंटरसेप्ट मान लो कुछ दिया है बी, ठीक है, बी मान लिया, तो बी प्लस, ठीक है, बी प्लस लॉग ए, ठीक है। एम एक्स होता है ना, तो एम वन है कि नहीं है, एम एक्स होता है, वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, एम वन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स हम लोगों का लॉग है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, ठीक है, तो बी एक्चुअली आप लोग जान लीजिए कि जो बी यहाँ पे होगा वो होगा लॉग वन बाई के, क्या होगा, लॉग वन बाई के होगा, क्योंकि क्या होता है, जब अगर इसको उल्टे तरीके से जाया जाए तो टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई टू के होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2k को मैं b ले लूँ, तो ये 2k होगा, सॉरी यहाँ पे 2k लिख दो, ठीक है। तो 1/2k को अगर मैं b ले लूँ, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो है, ठीक है। तो 1/2k को अगर मैं b ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू b a। अब दोनों तरफ मैं log ले लूँ, log टी हाफ इज इक्वल टू log b प्लस log a, ठीक है। और हम लोगों को क्या पता है कि b की वैल्यू क्या है, 1/2k, तो b की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1/2k लिख देंगे,
बी की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1/2 के, क्योंकि यहाँ पे देखो बी मतलब है लॉग 1/2 के, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1/2 के, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ आया, ग्राफ याद होने चाहिए वैसे, लेकिन अगर आप उस वक्त भूल जाओ तो इस तरह करो कि लॉग टी हाफ, मान लो ये जान लो आपकी लॉग 1/k या 2k ही होगा, ठीक है। और तीन ही ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ग्राफ याद कर लो ज़्यादा आसान है। आगे बढ़े, अ ग्राफ बिटवीन लॉग टी हाफ एंड लॉग ए एफसी साहब, ठीक है, कुछ नहीं है, लॉग ए एफसी साहब पे खाली है। स्लोप यहाँ पे देखो -1 कर दिए, स्लोप -1 कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो मैंने वहाँ माना था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग टी हाफ इज इक्वल्स टू लॉग, ठीक है, 1/k, ठीक है, या फिर लॉग बी मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, लॉग बी माइनस लॉग ए हो जाएगा। और माइनस का मतलब क्या है, अच्छा भी माइनस हटाओ, ठीक है, अब फॉर्मूला लाते हैं। तो इस लॉग को हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर लॉग बी बाई ए हो जाएगा, तो लॉग लॉग, तो टी हाफ इज इक्वल टू बी बाई ए। ए क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कौन से फॉर्मूले में नीचे होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले में टी हाफ के कंसंट्रेशन नीचे होती है, तो हम लोगों का क्या है, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/k, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, तो के स्क्वायर। इस तरह पीछे वाले को भी आप कर सकते हो कि लॉग बी मान लेते तो बी बाई, तो आ जाता वहाँ पे क्या आता, ए बी आ जाता, तो ए बी कंसंट्रेशन ए ऊपर है, अगर ए ऊपर है इसका मतलब क्या हुआ, ए ऊपर है मतलब फर्स्ट जीरो ऑर्डर हुआ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड ही नहीं करता है, सेकेंड ऑर्डर पे इन्वर्सली होता है। सेकेंड ऑर्डर के भी दो केस होते हैं, वो अगर क्वेश्चन आएंगे आगे तो बताया जाएगा, दो केस कौन कौन से, जब एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट हो और जब दो रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, तो अभी एक रिएक्टेंट वाला है तो सी ऑप्शन सही है, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, ठीक है, तो मतलब देख के ही आप पहचान जाओगे जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है, पर टाइम पे, मतलब ना कंसंट्रेशन पर डिपेंड है ना टाइम पे डिपेंड है, तो ना कंसंट्रेशन पर डिपेंड है ना टाइम पे डिपेंड है, dA/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ए की पावर जीरो, ठीक है। तो ना ए पे प्रेजेंट डिपेंड है, मतलब ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड है ना टाइम पे डिपेंड है, तो कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही। आगे 23 क्वेश्चन, फॉर द आइडियल गैस रिएक्शन, आइडियल गैस में क्या होता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, या तो लिख सकते हो पी इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है, ये होता है आइडियल गैस में। पढ़ी की क्वेश्चन पढ़ी, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो हम लोग ऐसे तो रिप्रेजेंट ही करते हैं यार, देखो dC/dt तो लिखते ही। अब बोला गया है कि अगर टी एंड वी कांस्टेंट हो जाएं, ठीक है, टी एंड वी अगर कांस्टेंट हो जाएं, तो सी को पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी को लिख सकते हैं p/rt लिख सकते हैं, और टी और वी अगर कांस्टेंट हैं तो क्या लिख सकते हैं, टी कॉन्स्टेंट, वी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो n/p लिख सकते हैं, सॉरी क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिख देते हैं dP/rt upon dt, तो rt क्या है, कांस्टेंट है, तो rt कांस्टेंट है तो rt बाहर आ जाएगा, तो dC/dt इज इक्वल टू 1/rt टाइम्स dP/dt। अब जब यहाँ पे करोगे t और v कांस्टेंट हैं, r भी कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं, n/v, ठीक है, p/rt, ये देखिए अब p/rt जहाँ पे था उसको हम लोग n/v भी तो लिख सकते हैं, p/rt को n/v लिख सकते हैं, और v कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो जब v बाहर आ जाएगा तो 1/v dN/dt। समझ आया कि पहले ओवरऑल हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोग c को लिख सकते हैं p/rt या फिर n/v भी तो लिखते हैं, c इज वॉट, कंसनट्रेशन इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो n/v भी लिखते हैं, ठीक, आ गया। आगे बढ़ते हैं 24 में, A2+B2 gives 2AB, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो KAA ठीक ये दिया। तो इस क्वेश्चन को देखिए दो तरीके होते हैं करने के, एक तो देखिए ये है कि कैसे, एक वही है कि k की वैल्यू कंपेयर करो, पहले फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, इन मतलब किसी दो को उठाओ,
0.2 0.2 0.04 को उठा लो और 0.1 0.4 0.004 को लिखा लो। इसमें दिया नहीं हुआ है फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, लेकिन है ये बताऊं मैं आपको तो सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए। अब सेकंड ऑर्डर कैसे, आप जब इसमें देखिए ए और बी ऑप्शन सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर आएगी नहीं, तो ए और बी अगर सेकंड ऑर्डर का है तो ठीक है, और थर्ड भी एक बार चेक कर लेना चाहिए क्योंकि आ जाता है कभी भी, ठीक है। तो ओवरऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ, तो अब कैसे होगा देखिए, सब कैसे करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक को कॉन्स्टेंट कर दो। ए टू कब कब कॉन्स्टेंट हुआ है, ए टू देखिए कब कब कॉन्स्टेंट हुआ है, एक ये कौन एक, एक में यहाँ है और एक ये कॉन्स्टेंट है, तो उस वक्त बी की कंसनट्रेशन चेक करो। तो बी की क्या हुई, 0.2 थी और नीचे 0.4 थी, तो कितने टाइम्स बड़ा हुआ, इंटू टू हो गया, ठीक है। तो टू टाइम्स जब बी हुआ तो टू टाइम्स रेट भी हो गया, और ए कॉन्स्टेंट था, ये कॉन्स्टेंट रख दिया तो कैसे डिपेंड कर रहा है, तो और अगर अगर मैंने इसको कॉन्स्टेंट किया हुआ है, अभी कॉन्स्टेंट कर दिया, तो बी भी तो कैसे डिपेंड कर रहा है कि जब ये टू टाइम्स हुआ तो ये भी टू, तो मतलब बी की पावर क्या होनी चाहिए, बी क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह एक बार बी को कॉन्स्टेंट कर दो, तो बी कहाँ कहाँ कॉन्स्टेंट है, 0.4 में कॉन्स्टेंट है और इधर कॉन्स्टेंट है, और इधर क्या हुआ है कि ये 0.1 था, 1 से 0.2 हुआ, तो जब ये कॉन्स्टेंट किया तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर बी, ठीक है। तो ए की पावर ए, सॉरी ए की पावर ए, जब ये डबल हुआ तो ए भी डबल हुआ, तो मतलब ए वन रहा होगा, ठीक है। तो ए वन बी वन, तो ए ऑप्शन सही है। और दूसरा है बड़ा सा मेथड है, फॉर्मूले लगाओ, कैलकुलेट करो के की वैल्यू, अगर पहले जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, दोनों में के की वैल्यू निकालो, इक्वल आ गई तो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर लगाओ, दोनों के की वैल्यू निकालो, अगर इक्वल आ गई तो फर्स्ट ऑर्डर है, और फिर उसी तरह सेकंड ऑर्डर लगाओ, उसमें के की वैल्यू निकालो, अगर के की वैल्यू इक्वल आई तो सेकंड है, इस तरह चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, फॉर अ रिएक्शन द इनिशियल रेट इज गिवेन एज आर नॉट इज व्हाट, ठीक है। तो आर नॉट क्या है, तो आर नॉट क्या है हम लोगों का, ठीक है, तो आर नॉट इज इक्वल टू के टाइम्स ए नॉट का होल स्क्वायर टाइम्स बी नॉट, ठीक है। By what factor the initial rate reaction will increase if initial concentration of A is 1.5 times the initial concentration of and B is tripled? तो पूछा गया है कि और नॉट पे कितना चेंज आएगा जब इसका कंसंट्रेशन 1.5 टाइम्स बढ़ा देंगे और इसका 3 टाइम्स, तो कुछ नहीं रख दीजिए जाके आंसर वैल्यू, और गया K इसको रख दीजिए आप, ये A है तो ये नॉट, ए नॉट था तो ए टी यहाँ पे रख दीजिए 1.5 है, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे लिख दीजिए 3b का स्क्वायर, ठीक है, 3 है ना, 3 ट्रिपल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल डी हो रहा है, ठीक। तो r नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर क्या होगा लेकिन, ठीक है, जीरो भी नहीं होगा, वन होगा, वन, ठीक, कुछ नहीं, ठीक। तो k टाइम्स 2.25 a नॉट का स्क्वायर, a नॉट है, ठीक है, और ये 3 बी नॉट, ठीक, 3 और 2 कितना हो जाएगा 6.75 टाइम्स के, और फिर ये पूरा, तो आर इसको आर नॉट डैश ले लेते हैं ना, तो आर नॉट डैश इज इक्वल टू 6.7 टाइम्स ऑफ आर नॉट, तो सी ऑप्शन सही हो गया। तो आज के 25 क्वेश्चन हो गए हैं, कल के 25 क्वेश्चन कल आएंगे, ठीक है, ये अभी अपलोड करने जा रहे हैं, इसी तरह चलता रहेगा, देखते रहिए, थैंक यू, और थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है, जिससे मोटिवेटेड फील हो, वरना डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो सच है, कोशिश करते हैं हर बार, फिर से मोटिवेट होना पड़ता है यार, सोचते हैं क्या करना बना के, किसी को हेल्प तो कर नहीं पा रहा हूँ, देखिए मुझे पैसों से तो मतलब है नहीं, मैं हेल्प करने के लिए बनाता हूँ बस, क्योंकि मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है बुक लगाने में, तो लगा लिया, तो सोच रहा हूँ कि किसी को तो फ़ायदा हो ही, आसपास तो कोई है नहीं जिसको फ़ायदा करा सके, इसी वजह से सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, चलिए बाय, हैव अ नाइस डे।